वेलकम टू प्रतिभाज किचन। आज मैं आपके लिए विदाउट एनी स्पेशल एपरेटस और टूल्स के घर में सिर्फ दो सामग्री से बनने वाले रसगुल्ले की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ईजली बन जाता है और बिल्कुल आपको मार्केट की तरह टेस्ट देगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे मेरी रेसिपी के लिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। और चले हमारे साथ हमारे किचन में। रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मैं आधा लीटर दूध ली हूँ, इसे बॉयल करने के लिए मैंने डाला है। ये गाय का मिल्क है और फुल क्रीम मिल्क है। अगर आपको गाय का मिल्क मिलता है रसगुल्ला बनाने के लिए तो आप गाय का मिल्क यूज करें, इससे रसगुल्ला काफ़ी अच्छा बनता है। और अगर नहीं है तो आप कोई भी मिल्क यूज कर सकते हैं। इसे एक बॉयल आने तक हम उबालेंगे, और एक बॉयल आने के बाद इसमें मैं विनेगर डालूंगी। ये 1 टेबल स्पून है विनेगर। इसे नींबू से मत फाड़िएगा, विनेगर से ये अच्छे से फटता है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं आता है। ऐसे धीरे धीरे विनेगर डालकर फिर हम इसे चलाते रहेंगे, और ये तुरंत जस्ट 5 सेकेंड में ही आपका फट के अलग हो जाएगा, और छेना भी काफ़ी ज़्यादा इससे निकलता है, आप देख सकते हो। अब इसे हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। आप सूती कपड़े का भी यूज कर सकते हो, लेकिन सूती कपड़े में उसे काफ़ी साफ होना चाहिए, तो कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो स्ट्रेनर से आप स्ट्रेन कर लेना, ये बहुत ईजी रहता है। पूरा अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे इसको। और इसे थोड़ा सा पिला भी लेंगे ताकि जो पानी हो उसमें वो अच्छे से गिर जाए, और जो ये स्ट्रेन करने के बाद छेना अलग हो गया और पानी जो अलग हो गया, इस पानी को फेंकिएगा मत, इससे आटा गूंथ लीजिएगा, काफ़ी मुलायम गूंथ के तैयार हो जाएगा। और ये जो छेना है, अब छेने को हम पानी से अच्छे से धुल लेंगे ताकि विनेगर का जो टेस्ट या फिर स्मेल हो वो यहाँ इससे निकल जाए। और याद रखिएगा, दूध को विनेगर से ही फाड़कर छेना निकालिएगा, उसमें नींबू का यूज नहीं कीजिएगा। नींबू से निकला हुआ छेने से जो मिठाई बनाएगा उसमें थोड़ा सा करवाहट सा आ जाता है, और विनेगर से आपको बहुत अच्छा रसगुल्ला बन के आएगा, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। पानी से धुलने के बाद इसे हम 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत भी पानी हो वो अच्छे से निकल जाए इसके अंदर से। और 20 मिनट बाद एक प्लेट में मैं इसे ले लूँगी, और फिर इसे हम हथेली के सहायता से मस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हथेली का पार्ट है इससे हम इसे आगे की तरफ ऐसे मस लेंगे। 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से मसलना है, और फिर इसे आटा की तरह गूंथ के तैयार कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही 10 से 15 मिनट, इससे कम नहीं, अच्छे से गूंथना है। ऐसे ही सॉफ्ट सा बन जाएगा, फिर इसका गोला गोला हम बना लेंगे। साइज आप अपने अनुसार रख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। आधा लीटर दूध से लगभग हमारा 8 छेना तैयार हुआ है। अब इसमें एक मैं पैन में 1 कप चीनी ली हूँ जो लगभग 200 ग्राम है, फिर उसी कप से मैं 2 कप और थोड़ा सा ज़्यादा वाटर लूँगी। चीनी आप अपने अनुसार ले सकते हो, आप कितना ज़्यादा या कम खाते हो, लेकिन ध्यान लेना जितना चीनी लेना उससे दुगुना पानी डालना है, और थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हो, और इसको अच्छे से उबालना है ताकि पानी में चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। और इसे तब तक उबालना है जब तक पानी थोड़ा सा थिक ना हो जाए, तार नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा थिक हो जाए वहाँ तक चेक करते रहिएगा, तार नहीं बनना चाहिए, बस थोड़ा सा थिक हो जाए। ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा, और उबलते ही पानी में अब हम जो गोला बना कर रखे थे छेने का उसे इसमें डाल देंगे।
ध्यान दीजिएगा, उबलते पानी में ही डालना है और फिर उसे ऐसे चलाते रहना है। उनसे टच नहीं करना है, बस दूर दूर से ऐसे करके उसे चलाना है। 7 मिनट्स तक आपको इसे चलाकर उबालते रहना है और हाई फ्लेम पे उबालना है। इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। 7 मिनट्स तक आप देख सकते हो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होने लगा है। थोड़ा सा फ्लेम को मैंने कम किया है, ये देखिए। और फिर अब इसे हम ढककर कम से कम 10 मिनट तक उबालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 7 मिनट तक उबलते पानी में बिना ढक्कन के उबालना है और फिर 10 मिनट तक इसे ढक के और बीच में खोलकर इसको पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। देखिए हमारा ये रसगुल्ला बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। इसे आप घर पे जरूर ट्राई करना, बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट बहुत आसानी से आप इसे बना लोगे और बिल्कुल मार्केट की तरह। और सिर्फ दो चीज़ों से, सिर्फ मैंने इसमें दूध डाला है और चीनी, इसके अलावा कुछ नहीं। घर पर कोई भी इसे आसानी से बना सकता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी। मेहमान आए तो भी आप इसे ज़रूर खिलाएं, बाहर से बहुत सस्ते में आप बना लोगे और ऐसे ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। सब आपकी तारीफ करेंगे घर पे। और प्लीज़ अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करना, फैमिलीज को भी बताना और उनसे भी प्लीज़ बोलना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे अगर मेरे से कोई गलती हो जाए कहीं पे तो प्लीज़ मुझे बताना और मुझे सजेस्ट करना, मैं उसे सही करूँगी। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।